हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना। जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब पिता से बताएंगे मेरे प्रिय, क्योंकि पिता को हमारा ध्यान है। जो भी दिन भर में पाप गलती गुनाह हुए हैं, सब पिता के सामने मानने के पश्चात आप करेंगे मेरे प्रियो, ठीक है। मैं पिता से कुछ भी छिपाना नहीं है, जो भी पाप गलती गुनाह हुए हैं सब पिता के सामने मान लेना है और उन्हें छोड़ देना है, पश्चात आप करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है। जो भी घटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्या आपके जीवन में, सब पिता से बताएंगे, ठीक है। मोबाइल को एक साइड में रख दे और प्रार्थना को लास्ट तक सुने और लास्ट में आमीन वगैरह रिसीव करें, ठीक है। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो आपने पिता हम सबों को जीवितों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। पिता कितने तो होंगे पिता, निजाति लोग होंगे, सांसारिक लोग होंगे पिता, मर गए होंगे पिता और नर्क में चले गए होंगे, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे मेरे पिता। पिता जो आपने मेरे पिता हम सबों को पिता ज्योतों के बीच में जीवित रखा है पिता, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। पिता जो मसीह भवन पिता इस प्रांत को सुन रहे, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे पिता परमेश्वर पिता, वो लास्ट में आमीन बोलकर रसीब करे मेरे पिता। होने दे पिता, हम जाते हैं पिता, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे पिता, जो अपनी बीमारी में जूझ रहे पिता, डेंगू बुखार मलेरिया में है, दस्त में नाना प्रकार की बीमारियों में लिपते हैं मेरे पिता, आपके नाम से पिता वे चंगे हो जाए पिता, वे हील हो जाए पिता, वे फ्री हो जाए पिता, वे आजाद हो जाए पिता। जो हॉस्पिटल में बीमार है मेरे स्वामी, जो हॉस्पिटल में बीमार है मेरे पिता, आपके नाम से पिता वे चंगे हो जाए पिता, वे हील हो जाए पिता आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता जो भी हम सभी मसीह भाइयों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि पिता आप ही के पास ये अधिकार है मेरे पिता कि आप ही हम सबों के पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। आप माफ करें मेरे पिता, आप क्षमा करें मेरे पिता। पिता जिस प्रकार से आप पवित्र हैं मेरे पिता, उसी प्रकार से मेरे खुदा आप हम सबों को पवित्र बनाइए मेरे पिता, ताकि आपसे के सामने खड़े होने के योग्य बन सके पिता, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र पिता हम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने वाले नहीं है पिता, ये 100-200 रुपए पर पिता इधर हाथ ना फैलाने पाए पिता, ये अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ना करने पाए मेरे पिता। पिता ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पिता आपके पीछे आए हैं पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए मेरे स्वामी। पिता ये टूटने बिखरने ना पाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता। पिता आप इनके हाथ मांगने लिए नहीं पिता, आप इनके हाथ देने लिए बना दीजिए मेरे पिता। पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोल दिए जाएंगे। यस पिता, आपके नाम से मांगते पिता, आपके नाम से मांगते, ढूंढते खटखटाते पिता, इनके घरों की परस से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे ईश्वरी। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु पिता। पिता जो हॉस्पिटल में बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में बीमार है मेरे स्वामी, जो सीरियस है पिता, जो बेड पर पड़े हुए हैं मेरे पिता, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे स्वामी पिता, आपके नाम से पिता वे उठकर बैठ जाए पिता, हील हो जाए पिता, ओ स्वर्ग की तेजो में सामर्थ पिता छू ले पिता, ओ ब्लेसिंग छू ले पिता, आजाद हो जाए पिता, चमत्कार कर दीजिए मेरे स्वामी इनके जीवन में मेरे पिता, इनके जीवन में चमत्कार करे, इनके लाइफ स्टाइल को बदल दीजिए मेरे स्वामी। प्रभु जी आपने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा मेरे पिता। यस हालेलुया, हालेलुया। पिता आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आपके नाम से पुकारते हैं पिता, इनकी बीमारियों को ठीक कर दीजिए पिता, ये आजाद हो जाए पिता, ये आपकी महिमा और जय जयकार करें मेरे स्वामी, आपकी महिमा और जय जयकार करें मेरे पिता। मेरे ईश्वर नाव के युवा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे मालिक आपको दिया गया यीशु पापा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आप ही के पास ये अधिकार है मेरे पिता कि आप ही हम सबों के पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। पिता जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे यीशु में, आप माफ करें मेरे पिता, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि पिता आप एक निष्पाप पिता, आप ही झूला और आप ही जिंदा जलाली परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता आप क्रूस पर बलिदान हो गए पिता, और पिता हम सबों को अनंत काल का जीवन दे दिया है पिता, बीमारी से पिता पापों से पिता आजाद कर दिया पिता। पिता आपका लहू बहुत ही कीमती है मेरे यीशु में पिता, वो लहू जिस लहू से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं मेरे पिता, पिता आपने अपना लहू पाकर मेरे यीशु में हम सबको मोल खरीद लिया है पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु में पिता। आज कोई किसी के लिए लहू नहीं पाएगा मेरे यीशु में, आज भाई भाई के लिए कत्ल कर डालते हैं मेरे पिता धन दौलत के चक्कर मेरे यीशु में पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु में, जो आपने पिता हम सबको मोल खरीद लिया है पिता, इसलिए आपने कहा है तुम दाम देके मोल खरीद लिए गए हो, या तुम्हारी ओर से नहीं है, या परमेश्वर का दान है मेरे प्रियो। यश हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जिनके बच्चे नहीं होते हैं मेरे स्वामी पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पूरे विश्वास के साथ सुने मेरे पिता, उन्हें बच्चे दीजिए मेरे स्वामी, जैसा पिता अपने सारों को बच्चे दिए थे बुढ़ापे में मेरे स्वामी, उसी प्रकार से पिता इन बहनों को बच्चे दीजिए मेरे स्वामी, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते हैं मेरे स्वामी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम से रसोलियाँ हैं गिल्टियाँ कुछ भी समस्याएं उनके शरीरों में पिता, हम मनुष्य जाते हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं मेरे स्वामी पिता, आपको हृदय मन को जशने का अधिकार मेरे पिता आपको दिया गया है मेरे स्वामी पिता, आप उन्हें बच्चे दीजिए मेरे स्वामी, उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए पिता, अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर दीजिए पिता। पिता आपने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा मेरे पिता, पिता आपके नाम से मांगते पिता इन्हें बच्चे दीजिए मेरे स्वामी, इन्हें बच्चे दीजिए पिता। पिता आपने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए हैं, आपने मुर्दों को जिलाया है, हिंदों को दृष्टि दी है, कोड़िए पैजों को शुद्ध किया है मेरे स्वामी, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे स्वामी। उसी अधिकार के द्वारा पिता आप इनके जीवन में आए पिता, आप इनके जीवन में चमत्कार करें मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे स्वामी। पिता जब आप अपने दूतों के साथ आना तो पिता हम सभी मसीह भाई बहनों को पिता लेकर जरूर जाना मेरे स्वामी पिता, यहाँ मत छोड़ना मसीह विरोधी के हाथ में मेरे पिता, क्योंकि पिता जो कोई यहाँ पर छूट जाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा पिता, उसको कोई दोबारा लेने के लिए नहीं आएगा मेरे स्वामी, उसके पास कोई आस्ती किरण नहीं नजर आएगी उस समय पिता, वे लोग भी चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे उस समय मेरे पिता। पिता जब आप अपने दूतों के साथ आना तो पिता हम सबों को लेकर जरूर जाना मेरे यीशु में पिता, आपने कहा था तुम तैयार रहना, तुम जागते रहना, तुम पांच समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ पिता, आपने कहा है वह घड़ी दोपहर की भी रात की भी शाम की सुबह की भी हो सकती है मेरे पिता, इसलिए पिता आपने दृष्टांत में कहा था पिता तुम पांच समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहना मेरे स्वामी पिता, आपने पहले ही से चेता दिया है मेरे स्वामी, आपने कहा है पिता एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा दूसरे को छोड़ दिया जाएगा मेरे स्वामी। हालेलुया, पिता आपने कहा है दो मनुष्य उस रात खाट पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा, प्रभु जी आपने कहा है पिता, पिता आपने कहा है दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी को छोड़ दिया जाएगा, पिता हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, जो रात में नहीं सो पाते डर लगता भय लगता है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम से पिता वे आजाद हो जाए पिता, उनके चारपाई के पास आपके दूत का वाड़ा बांध देते पिता, पिता वे जब सोए पिता तुम्हें सुख की नींद आने पाए पिता, पिता जैसा कि प्रभु आपने कहा है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे से न डरना मेरे पिता, इस वचन के द्वारा इनकी सहायता करें मदद करें पिता, पिता इस रात को आप कहते हैं शो अपते पिता, छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते आमीन।